we had received threats from a certain organization, and I have no hesitation in taking the name of that organization, the Shiv Sena, which had threatened the Nehru Center that if they do not cancel the program, they would disrupt it in the typical Shiv Sena style. पैगाम ये है कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि पाकिस्तान और भारत, मैंने अपनी किताब में लिखा है, 9 मरतबा या जंग कर चुके हैं, जंग के करीब पहुंच चुके हैं, जंग के दहाने पे आ चुके हैं। और फिर मैंने उसमें ये बताया, ऐसे मुल्क जब इनको पॉजिटिव लीडरशिप मिले, जब आवाम को एक मुस्बत पॉजिटिव पैगाम दिया जाए, तो कितनी जल्दी हालात बदल जाते हैं। तो मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मैं एक अमन का पैगाम देने आया हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हिंदुओं की पाकिस्तान में और मुसलमानों की भारत में पोजीशन बेहतर होगी। आई स्ट्रॉन्गली कंडेम whosoever has done it, because these days when people talk about the growing intolerance towards a viewpoint that you are not willing to accept, democracy must ensure tolerance for a different point of view. ये शाही नहीं है भाई साहब, ये तो हमारे जवानों का खून आपके मुंह पे लगा है। पाकिस्तान के तरफ से जो यहाँ आतंकवादी हमले बार बार होते हैं, मुंबई हो, दिल्ली हो और शहरों में हो, तो हम हमारे निरपराध जनता का जो हिंसा में खून देखते हैं, वो खून देख के आपका खून नहीं खौलता है। आप शाही देख के आप हमारे खिलाफ़ बोलते हैं, तो ये तो नाटक कंपनी है, पाकिस्तान के चमचे हैं ये सब। अगर उनका कहना है कि ये काम शिवसैनिकों ने किया है तो किया है। पाकिस्तान के खिलाफ शिवसेना आवाज़ उठाएगी, उठाती रहेगी।